किसान, जय जवान, जय किसान। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। गली गली में शोर है, बीमा कंपनी चोर है। गली गली में शोर है, बीमा कंपनी चोर है। गली गली में शोर है, बीमा कंपनी चोर है। हमारे यहाँ जो धरना प्रदर्शन कार्यालय में चल रहा है, जो सम्मानित कृषक भाई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हमारे कुछ अभिलेखों में बैंकों से त्रुटियों की वजह से हुआ है। और जो हमारे ऐसे किसान हैं जो बीमा से छूटे हुए हैं, इस आशय के लिए हम लोगों को लखनऊ भेजा था जिलाधिकारी महोदय ने, और वहाँ से भी मतलब जो है बैठक करके हम लोग आए हैं। कल भी बैठक DM साहब ने रखी हुई है, और हमारे ज़िले में 252.75 करोड़ रुपए की धनराशि 1,22,988 किसानों को दी जा चुकी है। शेष जो हमारे किसान हैं अब लेखी त्रुटि के कारण, उन पर बहुत ही जल्दी इसमें मतलब जो है लाभान्वित कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। किसानों को कब तक राहत मिल जाएगी आप देखिए इसमें। अच्छा आपने प्रश्न किया। जो हमारे 1512 किसान हैं, उनका कहना है कि इसको हम बहुत जल्दी कर देंगे, क्योंकि कुछ बताते हैं कि केंद्रांश और राज्यांश थोड़ा थोड़ा नहीं प्राप्त हुआ है। दूसरे जो 23,132 किसान हैं, वो अभिलेखों में डुप्लीकेट एंट्री है एक आधार पे, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं। और ये भी बैंकों से और बीमा कंपनी के सामंजस्य से इसको जल्दी इसमें देख लिया जाएगा, और निश्चित रूप से छूटे हुए किसान जो है उनको लाभान्वित कराया जाएगा। आपके हिसाब से धरना प्रदर्शन सही है या गलत? धरना प्रदर्शन जो आपके छूटे हुए किसान हैं, धरना प्रदर्शन ना भी होता तब भी छूटे हुए किसानों को हम लोग प्रयास करते, क्योंकि मेरा ये पदेन दायित्व है इस काम को करने के लिए, तो बगैर धरना प्रदर्शन भी हम लोग ये काम करते।